तो जैसा कि हम जानते ही हैं, पल्प फिक्शन की कहानी सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं चलती और इसमें हमें तीन आपस में मिली हुई कहानियां दिखाई जाती हैं। कहानी डाइनर से शुरू होती है, एंड भी वहीं पर हो जाती है। यहां हमें लगभग 6 या 7 छोटे बड़े सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ में टाइटल्स हैं और कुछ में नहीं हैं। इसलिए इसके सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि मैंने आपको कहानी उसी तरीके से बताई है जैसी फिल्म में दिखाई गई है, इसलिए इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है और मैं आपको ये बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसे समझते हैं। बुच की गोल्ड वॉच एक विरासत में मिली चीज होती है। उसका महत्व हमें एक लंबे मोनोलॉग के जरिए समझाया जाता है, जिसे अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो वो फिल्म का सबसे पहला हिस्सा है। जब बुच एक बच्चा था तब उसे ये घड़ी कैप्टन कून्स नाम के एक आदमी ने दी थी, जो उसके पिता के साथ वियतनाम वॉर में शामिल था। तो ये एक पिता की तरफ प्यार का सिंबल है, जो बुच के परदादा, दादा, पिता से होते हुए आखिर में उस तक पहुंची थी। दो हिटमैन जूल्स विनफील्ड और विंसेंट वेगा ब्रेट नाम के एसोसिएट से एक ब्रीफकेस लेने के लिए उसके अपार्टमेंट आते हैं। वो ये ब्रीफकेस अपने बॉस यानी गैंगस्टर मार्सेलस वॉलिस के लिए लेने आए हैं। विंसेंट ब्रीफकेस के कंटेंट्स को चेक करता है। इसके बाद जूल्स ब्रेट के एक एसोसिएट को गोली मार देता है। फिर वो बाइबल का एक पैसेज बोलता है और फिर मार्सेलस के साथ धोखा करने की कोशिश के लिए वो और विंसेंट ब्रेट को मार देते हैं। ब्रेट को मारने के बाद एक और आदमी बाथरूम से निकलता है और बुरी तरह से उन्हें शूट करता है, पर उसकी एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती। जूल्स और विंसेंट उसे मार देते हैं। जूल्स मानता है कि यहाँ उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर विंसेंट इस बात को नकारता है। जब जूल्स ड्राइव कर रहा होता है तो विंसेंट गलती से ब्रेट के एसोसिएट मर्विन को सर में गोली मार देता है। वो गाड़ी को जूल्स के दोस्त जिमी के घर में छुपा देते हैं, जो उनसे कहता है कि उसकी बीवी के आने से पहले ये सब निपटा लो। ये कोई और नहीं बल्कि खुद डायरेक्टर टेरेंटिनो हैं। मार्सेलस अपने क्लीनर विंसेंट वुल्फ को वहां भेजता है, जो जूल्स और विंसेंट को कार साफ करने, ट्रंक में लाश छिपाने और कार को जंकयार्ड में ले जाने के लिए कहता है। वहीं वो लोग कपड़े चेंज करते हैं। एक डाइनर में जूल्स विंसेंट को बताता है कि वो अपनी जुर्म की जिंदगी से रिटायर होना चाहता है। वो मानता है कि उनके बचने का चमत्कार इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था। जब विंसेंट बाथरूम में होता है, एक पंपकिन और हनी बनी नाम का कपल रेस्टोरेंट में आता है। वो दोनों वहां मौजूद लोगों से पैसे छीनते हैं। उनके असली नाम रिंगो और योलांडा है। जूल्स रिंगो को ब्रीफकेस में रखा सामान दिखाकर झांसे में लेता है और उन दोनों को बंदूक की नोक पर शांत करवा देता है। हनी बनी यानी कि योलांडा इससे बौखला जाती है और अपनी बंदूक का निशाना जूल्स की तरफ करती है। विंसेंट वापस आता है और उसकी बंदूक हनी बनी की तरफ ही होती है, जिससे एक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ क्रिएट होता है। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, सभी एक दूसरे की तरफ निशाना साधे होते हैं और स्ट्रेटजिक टेंशन बढ़ती रहती है जब तक ये सिचुएशन सुलझ नहीं जाती। जूल्स बाइबल का वही पैसेज से बोलता है और अपनी जुर्म से भरी जिंदगी के बारे में मिले जुले ख्याल को जाहिर करता है। वो रॉबर्स को अपना कैश ले जाकर जाने देते हैं। जूल्स और विंसेंट ब्रीफकेस लेकर डाइनर से निकल जाते हैं। वो ब्रीफकेस मार्सेलस के पास ले जाते हैं, पर उन्हें इंतजार करना पड़ता है जब तक वो बॉक्सर बुच कुलिच को उसके आने वाले मैच में डाइव करने के लिए रिश्वत देता है। अगले दिन विंसेंट अपने ड्रग डीलर लांस से हीरोइन खरीदता है। वो उसे इंजेक्ट करता है और फिर मार्सेलस की वाइफ मिया से मिलने चला जाता है। वो मार्सेलस के टाउन से बाहर होने की वजह से मिया की सुरक्षा करने के लिए मान जाता है। वो दोनों एक 1950s की थीम वाले रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और एक ट्विस्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। उसे जीत कर वो ट्रॉफी के साथ घर आते हैं। जब विंसेंट बाथरूम में होता है तब मिया को विंसेंट के ओवरकोट से उसकी हीरोइन मिल जाती है और वो गलती से उसे कोकेन समझकर यूज कर लेती है और उसकी ओवरडोज हो जाती है। विंसेंट उसे फटाफट लांस के घर ले जाता है, जहां वो उसके दिल के पास एड्रेनलिन शॉट देकर उसे होश में लाते हैं और वो उसे घर छोड़ देता है। बुच मार्सेलस को धोखा देता है और बाउट जीत जाता है। वो अनजाने में अपने ओपोनेंट को मार देता है। मोटेल में वो और उसकी गर्लफ्रेंड फेबियन कुछ इंटीमेट मूवमेंट्स बिताते हैं।
और वहां से भागने की तैयारी करते हैं। बुच को पता चलता है कि अपने पिता की विरासत में दी गई गोल्ड वॉच को फेबियन पैक करना भूल गई है। वो उस पर गुस्सा करता है और उसे लेने के लिए वहां से निकल जाता है। घड़ी लेने के लिए जब वो अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसे किचन काउंटर पर एक गन रखी हुई नजर आती है और वो टॉयलेट फ्लश की आवाज भी सुनता है। विंसेंट बाथरूम से निकलता है और बुच उसे शूट करके मार देता है। जब बुच अपनी कार में ट्रैफिक लाइट खुलने का इंतजार कर रहा होता है तो बाय चांस मार्सलस उसे देख लेता है और बुच की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मार्सलस एक पॉन शॉप तक उसका पीछा करता है। वहां का मालिक मेनार्ड बंदूक की नोक पर उन्हें पकड़ लेता है और बेसमेंट में उन्हें बांध देता है। मेनार्ड को एक सिक्योरिटी गार्ड जेड ज्वाइन करता है। वो मार्सलस को अलग रूम में ले जाते हैं उसका रेप करने के लिए और बॉन्डेज सूट पहने हुए एक जिम को बुच की निगरानी के लिए छोड़ जाते हैं। बुच रस्सी खोल देता है और उस आदमी को मारता है। वो भागने वाला होता है पर फिर वो मार्सलस को बचाने का फैसला लेता है और पॉन शॉप से कटाना लेकर उनके पास पहुंचता है। वो मेनार्ड को मार देता है और मार्सलस मेनार्ड की शॉटगन लेके जेड को मार देता है। मार्सलस बुच को कहता है कि अब हमारा हिसाब किताब तब तक बराबर है जब तक तुम किसी को रेप वाली बात ना बताओ, और फिर वो हमेशा के लिए लॉस एंजलिस से निकल जाता है। बुच जेड की बाइक पे फेबियन को लेकर निकल जाता है और यही इस कहानी का असली एंड होता है।